राजपुर का दोमन है ना कितने आ रहे घंटे ठीक है डराने के लिए अंधे है क्या दोनों क्या डराने वाले ये तो ठीक है तू अंधा है क्या मेरे को बोल रहा है तेरी भी अच्छी शक्ल लेकिन तेरी नजर नीचे नहीं गई पैर तो ठीक है बेटे वो मेन चीज तो बनी नहीं तो फिर एक और मुझे ट्रांसफर किसे दोगे सूरज ने अभी बंदा नहीं रखा कोई वो रखा है लेकिन वो श्रीदेवी के रूम में गया कहाँ पर चल ना माइक कर ले मैं गोल्ड्स की टीम की तरफ से खेल रहा हूँ और बट जस्ट बिकॉज इट्स अ चैरिटी मैच सो आई एम हियर अदरवाइज मैंने बहुत सालों से क्रिकेट हाथ भी नहीं लगाया इट्स बीन ऑलमोस्ट थ्री ईयर्स यस थ्री ईयर्स बैक वी हैड अ टीम अयूब खान और हम सब लोग ये जो ग्रुप के लोग हैं यहाँ काफ़ी मिलते थे अनुपम लेकिन तीन साल से मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया सो आई डोंट नो इट्स लाइक हाउ आई एम गोइंग टू तो कोई मुझसे कह रहा था कह रहे आप तो सीरियस क्रिकेटर्स आए हुए हैं तो मैंने कहा कि मैं एक्टर सीरियस हूँ लेकिन मैं क्रिकेटर आज कॉमेडियन होने वाला हूँ क्योंकि मेरी बॉल मुझे नहीं पता कि विकेट पे जाने वाली है नहीं जाने वाली तो आप बॉलर मैं बॉलिंग यस आपके ऑपोजिट इतने सारे मतलब विपुल दिख रहा है मनीष दिख रहे हैं हाँ इतने सारे मंजू हुए मतलब नहीं ये लोग मेरी टीम में हैं ये हाँ ये वाली मेरी टीम है ब्लू वाले जो हैं यस या वो मंजू हुए मतलब किस तरह से उनको सी एक्चुअली क्या है देखिए पर्पज जो है इस मैच का हारना जीतना नहीं है यू नो वी प्ले चैरिटी मैच तो उसमें ज़रूर ये होता है कि आप अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दें अच्छा खेलें अच्छा बोल करें अच्छा फील करें बट इवेंचुअली इट्स नॉट अबाउट कि जीता कौन और हारा कौन तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आई नो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स उनकी टीम में भी हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हमारी टीम में भी हैं नॉट मी बट मेरी टीम में और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो जिताएंगे आपके टीम में स्ट्रेंथ कौन है मतलब बॉलिंग में बैटिंग में फिर देखिए वी हैव करण हमारी टीम में है कि नहीं करण कमजोर है वी हैव मनीष है वी अच्छा खेलते हैं विकास बहुत अच्छा खेलते हैं और कुछ दो तीन और लोग हैं मतलब दिखाई नहीं दे रहे अभी सब प्रैक्टिस में हैं जैसे आईपीएल चालू है तो आईपीएल आप फॉलो करते हो तो सबसे फेवरेट टीम आपकी कौन सी है और क्यों सी हमेशा से मेरी फेवरेट टीम वैसे चेन्नई रही है क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना गो गेटर वाला एटीट्यूड है उनका लेकिन आई थिंक इस साल मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स आई वुड से टेस्ट
जैसे आपने कहा कि 3 साल तक क्रिकेट में डिफिकल्टी हुआ प्रैक्टिस करने, बिल्कुल बिल्कुल बहुत, अभी हाथ पांव सब दर्द करेंगे कल सुबह उठ के, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने हिला सकता हूँ हाथ पैर हिलाऊँ, बट आई थिंक इट विल अफेक्ट टुमारो, कल की शूटिंग पे असर पड़ेगा इसका। अच्छा इंडिया टीम की बात करें तो सबसे आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? धोनी, धोनी। क्यों? आई थिंक धोनी क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, वो तो हैं ही हैं। आई थिंक एक एक कैप्टन के लिए और एक प्लेयर के लिए जो एक कंट्रोल की ज़रूरत होती है, आप कभी भी उनको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं देखेंगे, दैट मैन आई थिंक उससे सीखने वाली बात यह है कि वो किस तरह की सिचुएशंस में, किस तरह की सर्कमस्टांसिस में कंट्रोल रहता है। यू विल नेवर सी एनी एंगर, लूजिंग टेम्पर, चाहे वो मैच जीत रहे हों हार रहे हों, वो एक न्यूट्रल रिएक्शन के साथ गेम खेलते हैं, और आपको शायद ना लगे कि, लेकिन एंड तक आप देखिए कि उनकी टीम हमेशा तक लगी रहती है, सो आई थिंक ही इज़ वेरी कंट्रोल्ड। जैसे इस टीम का कैप्टन कौन? हमारी टीम के कैप्टन विकास हैं। ओके, तो वो भी कैप्टन कूल बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आई थिंक विकास में भी वो क्वालिटी है कि वो बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, आप उनको कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं देखेंगे, तो वो आई थिंक ही इज़ अ वेरी सेंसिबल कैप्टन, तो शायद उनकी कैप्टनसी का हमें, आज के लोग ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, हेल्थ के लिए मतलब टाइम नहीं निकाल पाते, नहीं उल्टा है आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, हर आदमी हेल्थ कॉन्शियस है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस टुडे, अगर आप देखें तो ये जनरेशन जो है पूरी हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है। इसके अलावा आप टाइम निकालते हैं ऐसे मतलब? हाँ, इसके अलावा हफ्ते में कम से कम 5 दिन मैं अपना एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालता हूँ, कोशिश रहती है कि 6 दिन निकाले जाएं, बट हफ्ते में 5 दिन जरूर होता है। वहाँ पे इतनी सारी ट्रॉफीज लगी हुई, आपका कौन सा ट्रॉफी मिलना है? जी देखिए, मुझे एक की तो गारंटी है जो हर प्लेयर को मिलने वाली है, वो तो 100% मिलेगी, बाकी उसके अलावा जो मिल जाए बोनस है। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल तैयार है, मैं तो अभी थोड़ी प्रैक्टिस करके आया, तो मैं फुल पसीनों पसीना हो रखा हूँ, काफ़ी टाइम बाद वापस क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आई होप बड़ा मज़ा आएगा यार। वैसे कितने साल के बाद अब क्रिकेट के बैट हाथ में लिए हो? यार वैसे मैं शूटिंग पे थोड़ा बहुत ज़रूर खेलता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है, मेरी फिल्म में भी यही था, हम लोग जब भी टाइम मिलता था क्रिकेट खेलने लगते थे, लेकिन प्रॉपर खेले आई थिंक मैं 2 साल बाद खेलने वाला हूँ, तो क्रिकेट बॉल के साथ 2 साल बाद खेल रहा हूँ। सो आप गोल्ड टीम में हो और गोल्ड भी हो, सितारे हो इस टीम के, ना क्या बात है। तो ऑपोजिशन टीम के कितने छक्के छुड़ाने वाले हो या फिर कितने? यार ये तो अभी नहीं कह सकते, बिकॉज मैं अब धीरे धीरे देख रहा हूँ, सब उमड़ के निकलते आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा डर वो सलील बैठे हैं वहाँ पे, मुझे पता चला ये बॉलिंग ओपन करने वाले हैं, मैं पहले ओपन करने जा रहा था, अब मेरा इरादा कुछ बदल गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई बात नहीं, मैं वन डाउन चला जाऊँगा, इसमें क्या बात है। वैसे गौतम गंभीर भी वन डाउन है। हाँ तो यू नो वो मैं एक्चुअली उसी, हाँ उसी कारण मैं डरा नहीं हूँ, ये मत सोचिए मैं डर गया, मैं तो वैसे ही सोचा कि वन डाउन जाए। आपके टीम में सचिन तेंदुलकर कौन है? हमारी टीम में सचिन आई थिंक विकास कालंत्री है यार, जो हमारा कैप्टन है ना वही है, वो कमाल खेलता है, और वो इनफैक्ट मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे उसके साथ ओपन करने जाना चाहिए, मैं हिम्मत बना रहा हूँ, तो हो सकता है मैं ओपन करने जाऊँ, लेकिन अभी सेवाग की जोड़ी यहाँ पे दिखाई दे। हाँ यार वाह, मुझे सेवाग बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आई होप मैं थोड़ी बहुत ऐसी बैटिंग भी कर लूँ। प्रैक्टिस में देखा आपने काफी बॉलर खींचे। हाँ यार पसीने छुड़वा दिए, तो ऐसा फील्ड पे भी होने वाला है जब यार? आई होप, पता है होता क्या, जब प्रैक्टिस करने लगा लगता है बस आज तो मेरा ही दिन है, आज तो मैं ही खेलने वाला हूँ, वहाँ जाके पिच पे जो हालत होती है ना वो कुछ अलग ही होती है, सो आई होप अच्छा खेलूँ यार। लेट्स गो। यार मैं तो मुंबई इंडियन, हालांकि मैं दिल्ली वाला हूँ, लेकिन अब मैं मुंबई वाला हो गया, आई एम रियली सॉरी, मैं अब मुंबई में हूँ, यही मेरी, वैसे मेरी जन्मभूमि भी यही है और कर्मभूमि भी यही है, तो मैं मुंबई इंडियन के साथ हूँ, और जहाँ तेंदुलकर वहाँ मैं। वैसे तो आज तेंदुलकर या सेवा? तेंदुलकर। ऑल द बेस्ट। थैंक्स लॉट। थैंक यू। बोलो तो सही दादा। सर क्या कहना चाहोगे, आपको एक्टिंग के जलवे तो बिखरते देख रहे हैं, आज पीच पर देख रहे हैं, किस तरह का गेम रहेगा? बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि सारे फिट इंडिया के दोस्त हाथ में आके क्रिकेट खेल रहे हैं, IPL चल रहे हैं, तो क्रिकेट फीवर ऑलरेडी ऑन है, और सारे वक्त से पहले आ गए, जो शूट पे कॉल टाइम मिलते तब टाइम पे नहीं आते, लेकिन आज सारे बिफोर टाइम आ गए, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ज़ील एंड एंथुसियाज्म। देखते हैं मैच किस तरफ जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नो वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ फन। आप कितने साल बाद क्रिकेट की पिच हाथ में लिया आपने? मैं खेलता रहता हूँ, मैं पिछले साल CCL खेला था, उसके अलावा हमारी एक टीम है उससे खेलता रहता हूँ, बिल्डिंग में बच्चों के साथ खेलता रहता हूँ, सही आई कीप इन टच विद क्रिकेट। आपकी ऑपोजिट जो टीम है उन्होंने सचिन तेंदुलकर और सेवाग की जोड़ी जमा ली है, जैसे कि मनीष एंड विकास, हाँ उनको आउट करने के लिए आपने कुछ षड्यंत्र रखा है? हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो उस जोड़ी को तोड़ सके, लेकिन हमने एक छोटा सा एक पुराना बॉलर मंगवाया है, सलील अंकोला, तो होपफुली वो मैजिक करेगा हमारे लिए। आपके टीम में आप मानते हो सचिन तेंदुलकर और सेवाग की जोड़ी भी है?
हाँ बनी जाएगी, बनी जाएगी। थैंक यू सो मच।